इस मुशायरे की मंजिल की ओर असरी गजल के रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन शोरा में से एक आली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के हुजूर आप तशरीफ लाए। उज्जैन के उस्ताद शायर जनाब हमीद गुहार साहब के इस शेर के साथ आपको दावत सुखन कि अपनी तारीख की यादों में संजो लो मुझको, अपनी तारीख की यादों में संजो लो मुझको, मैं वो तारा हूं जो सदियों में नजर आता हूं। खवातीन हजरात, बड़ा मुश्किल वक्त है, कम से कम मेरे ऊपर। शकील भाई, बड़ी मोहब्बत से आपने दावत दी थी और मैं दोपहर जब कोई इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि इस खलूस से इन्होंने याद किया कि मेरे पास सिवाय हाँ के और कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं था। लेकिन यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि आपका दिल तो बहुत बड़ा है कि 22 शुरा को आपने मधु किया है, लेकिन मुशायरा इतने शुरा का मुतहमल नहीं हुआ करता एक रात में। ये 2 रात का मुशायरा था जो आपने एक रात में किया है, लेकिन आपने यकीन किया है यहाँ की सवातों पर। मैं बहुत कुछ सोच कर आया था पढ़ने के लिए, लेकिन यकीन कीजिए कि अब मैं जो भी पेश करूँ उसे कबूल कर लीजिएगा। ज़ाहिर है कि मेरे अंदर ना वो सकत है ना वो हिम्मत है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़वा लिया तो कुछ शेर पढ़ूँगा। इफ्तिदा करता हूँ एक शेर से, मुलाहज़ा फरमाइए क्या है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। वाह वाह वाह। आप इस तरह लौटाएंगे तो वाकई मैं इसको शेर पढ़ने पर मजबूर होऊंगा। वाह वाह। इस मोहब्बत से आपने सुनाया पेश करता हूँ। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है। देखिए कहाँ पहुंचाने की कोशिश की है मैंने इस मतले के जरिए। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है जमी से ही नजर आता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। मुलाहज़ा फरमाइए पेश करता हूं कि बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। वाह। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। वाह वाह वाह। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। वाह वाह वाह। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। अब इस शेर को महसूस कीजिए, मैं एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेश करता हूँ शोरा हज़रात बतौर खातून। मेरे नौजवान साथी यहाँ जितने बैठे हुए हैं, मैं इन सब का कलाम बड़े शौक से सुनता हूँ, इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल है। हम दाइश छोड़ के जाएंगे, ये उर्दू की महफिलों को जिंदा रखेंगे अपने तर्ज फिक्र से, अपनी नई सोचों से। इनके लिए, सबके लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं और इन दुआओं के साथ मैं इस शेर में इनको शरीक कर रहा हूँ। पेश करता हूँ कि बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। वाह 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 वाह। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। मुलाहज़ा फरमाइए, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। वाह 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 वाह। चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। अब कुछ 2-3 बहुत नाजुक से शेर सुनाता हूँ आपको और देखता हूँ उसका रद्द अमल। मैं भी 10-12 शेर से ज़्यादा पढ़ने की जसारत नहीं करूँगा, लेकिन आपकी शिरकत अगर रहेगी तो आगे कुछ पढ़ने की हिम्मत होगी। मुलाहज़ा फरमाइए, शेर पेश करता हूँ कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ।
अगर ये शेर लौट आया तो आगे बात बढ़ेगी कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए, कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम। आप गजल वाले हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए कि चलते चलते राह में तुझसे अलग हो जाएं हम। कौन जाने कब तेरी दुखती सी रग हो जाएं हम। वाह वाह वाह। कौन जाने कब तेरी दुखती सी रग हो जाएं हम, कौन जाने कब तेरी दुखती सी रग हो जाएं हम। चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाए, ये मतलब पेश करता हूँ कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। वाह वाह वाह। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। बहुत शुक्रिया। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाए, ये शेर मज़मून हाजिर करता हूँ। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चराग से पूछा न जाएगा। वाह 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 वाह। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चराग से पूछा न जाएगा। देखिए, मैं अक्सर ये शेर पढ़ने से पहले कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मज़मून की खातिर लहजा बदलना पड़ता है, लफ्ज़ियात बदलनी पड़ती है। मुलाहिज़ा फरमाइए, एक शेर पेश कर रहा हूँ आज का, ऐदे हाजिर का शेर, कि झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। वाह वाह वाह। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, वाह वाह वाह, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। तीन चार शेर ये सुन लीजिए, मतलब पेश करता हूँ। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। आह क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए, आप इस आलम में मुझे मिले हैं कि अपने तक लाने में मुझे कितनी दिक्कत पेश आ रही है, मगर कोई बात नहीं, शायरी रह जाएगी, दो चार दिन के बाद गौर कर लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। मैं फिलहाल शेर पढ़ता हूँ कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। शेर सुनिए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत में, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, वाह वाह वाह, सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। शेर पेश करता हूँ, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए,
इश्क की दीवानगी ने बेजमी ऐसा किया, इश्क की दीवानगी ने बेजमी ऐसा किया शहर के होके भी हम शहरी नहीं माने गए। वाह वाह, शहर के होके भी हम शहरी नहीं माने गए। और आखिर में तीन चार शेर और पेश करके इजाज़त लेता हूँ। मतलब फरमाइए कि क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता। आखिरी शेर पेश करो, क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता। कह देता अगर जान का खतरा नहीं लगता। वाह वाह वाह, क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता। कह देता जान का खतरा नहीं लगता। सीने से लिपटते ही पलट जाने की कोशिश लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता। भाई खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। और आखिरी शेर इस गुजारिश के साथ कि इंसान को ज़िंदगी की आखिरी सांस तक परवरदिगार आलम ने जीने का मौका दिया है और उस वो असबाब मुहैया किया कि आखिरी सांस तक वो जी सके। पहले इंसान खुद में जीता है, फिर औलाद में जीता है और फिर उसके बाद वो औलाद की औलाद में जीने लगता है। मैं इसको गज़ल बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा फरमाइए कि खुदगर्द बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर, बूढ़ा है मगर पेड़ पुराना नहीं लगता। वाह 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 वाह।